बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है और कहा है कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। कल हमने ए क्रॉस बी किया था और उसमें हमने ये देखा था कि ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आपसे ये कहें कि ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करें जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हमेशा आपने ए क्रॉस बी लेनी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब हम ए क्रॉस बी सिंपली बस लेंगे तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ये मैं कर देती हूँ एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आपको अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट की समझ भी आ जाएगी। कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको कर लेंगे। जब भी आपको आई जे के कंपोनेंट्स इसको दिए हैं तो हमने वही डिटरमिनेंट फॉर्म से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम ए क्रॉस बी लेंगे, ठीक है, लिख देंगे द वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B is A cross B that is equals to, ऊपर हम लिखेंगे I, J and K और नीचे हम इनके components लगा देंगे। I का coefficient है, A cross B अगर आपने लिखना है तो पहले आपने A के components लिखने हैं और उसके बाद हमने नीचे B के components लिखते हैं। लेकिन अगर B cross A का कहें तो पहले हम B के components लिखेंगे उसके बाद हम A के component लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि A cross B का answer B cross A के equal नहीं होता, इसमें direction जो है वो opposite हो जाती है। तो हम इसको लिख लेते हैं, I का coefficient है 2, J का coefficient है 1 और K का coefficient भी 1 है। इसी तरह से B के coefficients लिख लेते हैं, 4 है, 2 है और -1, ये -1 है। जिस इसने आपने इसका जो है ये लेना है क्रॉस प्रोडक्ट और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है बुक में प्लस लिखा हुआ, अगर प्लस होगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है इसमें जो सॉल्व किया हुआ है बुक में, इसमें यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे प्लस जे लिखेंगे तो यहाँ पे +1 ही आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव जे लिखे तो फिर यहाँ पे -1 आएगा। पर आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आपने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस होगा तो मैं प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ, जो बुक में एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है वो -1 से सॉल्व की हुई है। तो अगर नेगेटिव यहाँ पे आता सिंबल तो फिर वो वाला क्वेश्चन होना था। जो भी आपको स्टेटमेंट दे आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। अब देखें आई के साथ जैसे हम डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, आपने ये आई वाली रो और आई वाली जो है रो और कॉलम दोनों छोड़ देने हैं और बाकी जो है आपने उसका डिटरमिनेंट लेना है। आई के साथ आ जाएगा 1 और 2, 1 और -1, ठीक है, मैंने एक स्टेप में ऐसे लिख लिया। जब आप स्टेप्स जो है छोड़ते हैं तो इससे फिर आप लोग मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो बेहतर होता है कि आप सारे स्टेप्स इसमें लिखा करें, क्वेश्चन में फिर मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम रह जाते हैं। अब इसमें नेगेटिव लगा के आपने जे लगाना है, ठीक है, फिर आपने ये रो भी छोड़नी है, ये कॉलम भी छोड़ना है, तो बाकी डिटरमिनेंट आ जाएगा 2, 4, 1 और -1। इसी तरह से के साथ आ जाएगा, हम के वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 2, 4, 1 एंड 2 आ जाएगा। अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1 और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आप कोशिश किया करें कि एक स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये लिख लिया करें। बच्चे जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं कोई ना कोई सिंबल की मिस्टेक कर देते हैं, तो अब बेहतर है इसे ऐसे लिखा करें 1 इंटू -1। क्रॉस भी लगाने से बेहतर होता है, ब्रैकेट लगा दें, क्रॉस लगाने से भी जब बच्चे लिखते हैं 1 इंटू -1 प्लस समथिंग तो तब भी इनमें ये कैलकुलेशन करते हुए बच्चों मिस्टेक कर देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मल्टीप्लीकेशन की सिंबल की बजाय आप हमेशा ये ब्रैकेट्स जो है यूज करें। यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे बाहर आपने ब्रैकेट बड़ी लगा लेनी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें चाहे ब्रेसिस लगा लें। इसके बाद यहाँ पे 1 इंटू -1, उसके बाद 1 इंटू 2 आ जाएगा। इसके बाद आपने नेगेटिव जे लिखना है और इसके हम लगा लेंगे 2 इंटू
माइनस वन और माइनस लगा के वन इंटू फोर। इसके बाद हम के कंपोनेंट लिखेंगे, जो कोफिशियंट है के साथ आ जाएगा टू इंटू टू, माइनस लगाएंगे वन इंटू फोर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई के साथ आ जाएगा, ये आंसर है माइनस वन माइनस टू। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव है, टू मल्टीप्लाइड बाई वन इज टू। माइनस जे और ये आ जाएगा नेगेटिव टू नेगेटिव फोर, और फिर आ जाएगा प्लस के और के साथ आ जाएगा फोर माइनस फोर। अब ये देखें आई है, आई के साथ आ जाएगा नेगेटिव थ्री, तो कोफिशियंट जो है कांस्टेंट वो हम कोफिशियंट के तौर पे हम पहले लिख लेते हैं, ये नेगेटिव थ्री आई आ जाएगा। उसके बाद फिर ये नेगेटिव टू और नेगेटिव फोर नेगेटिव सिक्स हो जाएगा, वो बाहर वाले नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सिक्स जे। इसके बाद आ जाएगा फोर माइनस फोर, ये जीरो हो गया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही आ जाएगा, तो इतना ही इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगर हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ए क्रॉस बी का जो हमने ये वेक्टर निकाला है ये ए के और बी के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो जब भी आपने वेरीफाई करना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है, ब्रैकेट ऐसे लगाएं या ना लगाएं, जब भी कभी डॉट और क्रॉस एक साथ हो तो हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम बाद में लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो इसका यही मतलब है, लेकिन मैंने इसलिए लगाई है जरा आपको क्लियर हो जाए। अब आपने ए की डॉट प्रोडक्ट लेनी है, हमारे पास ए वेक्टर था 2i प्लस जे प्लस के वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट लूंगी माइनस 3i प्लस 6 जे वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट में हम i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा प्लस जे का कोफिशिएंट इसमें 1 है और इसमें 6 है, ये आ जाएगा नेगेटिव 3 नेगेटिव 6 और पॉजिटिव 6, देखिए ये आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया। ठीक है, जब भी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर थे। ए के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसी तरह से हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, बी डॉट ए क्रॉस बी। तो हमने पहले बी वेक्टर लिख लेना है, हमारे पास बी वेक्टर था 4i प्लस 2j माइनस के डॉट, हमारे पास ए क्रॉस बी का आंसर है नेगेटिव 3i प्लस 6j। अब डॉट प्रोडक्ट इसमें लेनी है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके आई वाले कंपोनेंट के साथ, 4 और नेगेटिव 3, इस तरह से इसका जो जे कंपोनेंट है वो 2 है, उसका जे कंपोनेंट जो है ये 6 है, के कंपोनेंट इसमें नहीं है, तो दैट मीन के की 0 के साथ प्रोडक्ट जो लेंगे तो वो 0 ही आ जाएगी, इसलिए हमें इनको लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो हम लिख भी दें 1 एंड 0 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं लिखेंगे तो तब भी कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा 4 3s are 12 और ये 6 2s are 12। अब देखें ये भी आंसर 0 है। अब ए की भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, बी की भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ ए इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस के एंड बी इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k, find a unit vector perpendicular to both a and b, also find the sine of the angle between the vectors a and b। अब देखिए इसका स्टार्ट वाला पार्ट तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, यानी हमने वेक्टर एक ऐसा फाइंड आउट करना है जो कि a और b के परपेंडिकुलर हो, दैट मीन आपने a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b ऐसा वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये पहली बात जो उन्होंने पूछी है वो इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है फाइंड अ
एक वेक्टर परपेंडिकुलर निकला है उसका, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर एज इट इज ये यूनिट का वर्ड ना यूज करते, ऐसे ही कहते ए और बी, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो हम जस्ट ए क्रॉस बी लेते। अगर हमें यूनिट वेक्टर कहें तो हमने ए क्रॉस बी लेनी है, तो जो वो वेक्टर आएगा उस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी आ जाएगा ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसी की मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देंगे। एक ये हमने काम करना है। उसके बाद उसने कहा आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। उसके बाद हमने साइन की वैल्यू निकाली है, यानी साइन ऑफ थीटा निकालना है। आपने थीटा नहीं निकालना, अगर कहें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल कह लें या फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो फिर हम साइन वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, हम कोसाइन वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फिर हमने साइन या कॉस इनवर्स करके हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन अगर हमें कह दे कि साइन ऑफ द एंगल या कोसाइन ऑफ द एंगल, तो फिर हमने जस्ट कॉस ऑफ थीटा या साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, हमने उनका इनवर्स लेके तो एंगल नहीं निकालना होता। ठीक है, पहले हम इसकी उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पहले एग्जाम्पल में की है। हम आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, उसके बाद इनके कोफिशिएंट 4, 3 एंड 1 लिख देंगे। 4, 3 एंड 1 बी के लिख देंगे, 2, -1 और 2 आ गए। इसके बाद आपने इसको सारा सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एक डिटेल में सॉल्व कर दिया है। मैं सिंपली इसका आंसर लिख देती हूँ, ये 7i-6j और -10k आ जाएगा। ठीक है, आपने निकाल लिया ये ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम इस वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि उसी के वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें। सपोज यू का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम यू वेक्टर को यू की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो इसी वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम इसका मतलब है मैग्नीट्यूड हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, इसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसके जे कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा और इसके के कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इनका 49, 6 का 36 और ये 100 आ जाएगा। जब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये 185 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इसका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, या मैं इसके ऊपर ऐसे कैप लगा देती हूँ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दे। वैसे ए के ऊपर हम ये लगाते हैं, हम ज्यादा के ऊपर हम ये सिंबल नहीं इस तरह से लगाते। मैं चलिए सिंबल लिख ही देती हूँ। आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैसे हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसके ऊपर हम कैप लगा लेते हैं। इसका हम नाम चाहे एन रख लें या कुछ भी कह लें। ठीक है, तो हमने इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है। हमारे पास वेक्टर था ए क्रॉस बी का 7i-6j-10k डिवाइडेड बाय 185 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। इसके बाद हमने साइन ऑफ द एंगल निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखें, हमने
एक क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा था, वहां से हम ये साइन ऑफ द एंगल निकालना सीखेंगे। ए क्रॉस बी का हमने फॉर्मूला किया है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड एन यूनिट वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ठीक है, अब यहां से हमने साइन ऑफ थीटा का आंसर हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब ये देखें, हम ऐसा करते हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इधर भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर की वजह से हम इसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, हमें एन नहीं पता। हम क्या करेंगे, इस साइड पे भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इस साइड पे भी ए मैग्नीट्यूड की भी आ जाएगी और बी की भी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा और एन की भी मैग्नीट्यूड। तो जितने भी वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो इनकी पहले मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर लिया जाए या मल्टीप्लाई करने के बाद दे दीजिए। अब देखिए ये तो पहले ही रियल नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जब आ जाती है कोई सी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो ये भी जो है ये एज इट इज रहेगी, ये बी की मैग्नीट्यूड भी एज इट इज रहेगी, साइन ऑफ थीटा ये भी रियल नंबर है, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बाकी सारे तो ऑलरेडी ये रियल नंबर्स की फॉर्म में है, तो इसमें से वेक्टर कौन सा था, सिर्फ ये वाला। तो जब भी किसी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि अगर के ए का कोई वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए तो इसकी वही आंसर आएगा जो के और ए की मैग्नीट्यूड, यानी अगर के को मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड ले ली जाए या मैग्नीट्यूड लेके फिर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर जो है ये सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे के अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कह सकते हैं, या दोनों की सेपरेट मैग्नीट्यूड जो है, के अगर 7 था या 8 था या फिर तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर के कोई नेगेटिव नंबर था, सपोज -3 है, तो उसको आपने +3 लिखना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपने +3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव के साथ नहीं। तो अब हमने यहाँ पे जब n यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट, ये सारे जो है ये रियल नंबर है, यहाँ तक इसका कोफिशियंट है सारा वेक्टर का, ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअली इसमें वेक्टर है, तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका आंसर जो है ये 1 आ जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अगर आप यहाँ से साइन ऑफ थीटा का आंसर निकालना चाहें तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड से, तो इस साइड पे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाए। इसका मतलब है अगर हमने साइन ऑफ द थीटा निकालना है तो हमें ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का आंसर चाहिए, ए की मैग्नीट्यूड का आंसर चाहिए और बी की मैग्नीट्यूड का आंसर चाहिए। तो अब हमने ये ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इसका आंसर हमने भी निकाला है, अब हम अलग से ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, अलग से बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम जस्ट इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा साइन ऑफ थीटा का। अब हमने ए की मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो ए के कंपोनेंट थे 4, 3 और 1, इनके हमने स्क्वायर लिया है, ऐड किया है, फिर उसके बाद वो आंसर 26 आ गया, 26 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये एज इट इज ही रहेगा। इसी तरह से बी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, बी के कंपोनेंट्स का जो है स्क्वायर लिया है 2 है, फिर -1 है और फिर 2 है, इनके स्क्वायर लिए हैं ऐड किया है और फिर उसका स्क्वायर रूट जो है हमने लिया है तो वो 3 आ गया है। अब थीटा दोनों के दरमियान में एंगल है ए और बी के बिटवीन, तो साइन ऑफ थीटा का आंसर ये मैंने पहले ये देखे प्रूव आपको ये कर दिया कि किस तरह से आएगा साइन ऑफ थीटा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड और साथ में बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये हमने आंसर निकाला था 185। इसी तरह से ए की मैग्नीट्यूड जो है वो 26 है और बी की मैग्नीट्यूड जो है ये 3 है, ये हमने लगाई है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन बेहतर ये होता है कि ये जो अगर हमारे पास कोई स्केयर रूट में भी है और एक विदाउट स्केयर रूट है, इनको कंबाइनली लिखना हो तो पहले हम ये जो विदाउट स्केयर रूट है ये हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, 2√5, 2√7 जैसे इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखना जरा ज्यादा कन्वीनियंट है, तो इसलिए मैंने इसको ये 3 पहले लिख लिया है और 26√ जो है ये बाद में लिख लिया है।